राज्य भर में जिस तरह से पंचायती चुनावों का दौर लगातार जारी है, सातवें चरण की जो चुनाव थी वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है सफलतापूर्वक। अभी तक 7 चरण सफल हुए हैं और 8वें चरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे साथ रियासी के साथ लगते ग्राम मोड़ बड़ोतरा ए के सरपंच उम्मीदवार राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने पहले भी सरपंच का जो पदभार था वो संभाला था, लोगों के ऊपर कितना विश्वास जताते हैं अभी तक, जी बताएं। मेरा ये कहना है कि पिछले 18 साल से जो मैं लगातार सरपंच बना हूँ और लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे पूरी दबक्को है कि भारी मतों से हम लोग विजयी होने वाले हैं और ये जो विजय होगी हमारे गांव के आम नागरिक की विजय होगी। और मैं ये समझता हूं कि जिस कदर मैंने उन लोगों को प्यार दिया है और वोटों के रूप में जो पिछले मुझे वो प्यार देते आ रहे हैं, तो मुझे इस पे पूरा विश्वास है और मैं ये समझता हूं कि हम लोग बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत के आगे आने वाले हैं। और मैं ये समझूंगा कि जिस कदर हमारी पंचायत ने पिछले टेनओवर में जिस कदर काम किया है, तो मैं ये समझूंगा कि नए लोग चुन के आने के बाद उनके हौसले और बुलंद होंगे और हम अपने गांव को बेहतरी की ओर ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। राज शर्मा जी, रियासी जिले की जहां से आप पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, रेलवे प्रोजेक्ट। रोजगार की अगर बात करें, युवाओं को पहले कितना रोजगार दिया गया है, अगर आप सरपंच फिर से जीत कर सामने आते हैं तो और क्या युवाओं को रोजगार दिया जाएगा आपकी तरफ से? मेरा ये कहना है कि पिछले समय में मैं समझता हूँ कि 2004 के करीब जो रेलवे कंपनीज हमारे यहाँ पे आई हैं और जिसमें 2 या 3 कंपनी ग्राम मोड़ में काम करके जा चुकी हैं, जो काम बीच में छोड़ के जा चुकी हैं, उनको कई किस्म की टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उन सब कंपनीज में मैंने भरपूर लड़ाई लड़ते हुए अपने गाँव के लोगों को, अपने रियासी के लोगों को, आसपास के इलाके को भरपूर मुलाजमत दिलवाने की कोशिश की है। और आए दिन हमेशा बड़े लीडर एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी मीटिंगें करते थे वहाँ एक ही कंप्लेन आती थी कि वहाँ का एक सरपंच है उसी की सुनी जाती है और किसी की नहीं सुनी जाती। तो ये मेरे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं थी, मेरे लोगों की ही ताकत थी जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया था और हमने इन कंपनीज को झंझोड़ के अपने लोगों का हक लेने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर यही कहूँगा कि अभी काम जो चल रहा है उसमें हमारे लोगों का जितना नुकसान हुआ है उस कदर रेलवे हमारी मदद नहीं कर पाई है। बहुत सारे काम हमने इनसे लिए हैं, बहुत मुलाजमत भी ली है, लेकिन जो डायरेक्ट जो हमारे नुकसान जो हुए हैं उसके एवज में से मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी फिर से चुन के आने के बाद, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग जो पंचायतें हमारी डिजॉल्व थी, हम लोग एम्पावर नहीं थे, उसके बावजूद भी हमने अपने लोगों की सेवा करने का काम अपना जारी रखा। और मैं समझता हूँ कि 250 से 300 लोगों को मुलाजमत आज मैंने अपने गांव में दिलवाई है हमारी पंचायत की पूरी टीम ने। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 10 सालों तक जहाँ पे काम की भरमार रहेगी, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे 10, 20, 30 लड़के या 40 लड़के भी जो अगर इस रोजगार से वंचित रहे हैं, उनको पूरा आश्वासन देता हूं कि जैसे जैसे नई नई कंपनीज आएंगी और इन कंपनीज में भी वैकेंसीज बनेंगी, मैं अपने गांव को प्राथमिकता देते हुए अपने लोगों को उसमें रोजगार दिलवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और जो लोग उसमें काम करना चाहेंगे, छोटे मोटे जो ठेकेदारी के काम जो हमारे लोग पहले भी करते हैं और आगे में उनको रोजगार दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि हमारे गाँव में हर दुकानदार को इसका बेनिफिट हुआ है, हर घर वाले को इसका बेनिफिट हुआ है, किसी की सब्जी बिक रही है, किसी का दूध बिक रहा है। नुकसान हमारे बहुत हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि जितनी एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को हुई है तो उसमें हमारे लोगों का जीने का स्तर जो है, स्टैंडर्ड जो है, उनका जरूर चेंज हुआ है। पिछले 20 साल को अगर मैं देखूँ तो आज हमारे लोग उससे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके अलावा बात की जाए रूरल डिपार्टमेंट की, पहले भी उनके साथ रख चुके हैं, तो कितना सहयोग रहता है आपको रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से? देखो ये बड़े कड़वे तजर्बे हैं हमारे इसमें, क्योंकि 2001 में जब मैं पहली बार सरपंच बन के आया था तो ये सिंबल चुहा तक हमारा एरिया था जिसमें सूला, स्केतर, अंजी, त्रिंथा 4-5 गाँव की पंचायत थी। और उस वक्त की जो फंडिंग थी हमारी, मैं ये समझता था कि बड़ी मुश्किल से 50 से 60 हज़ार रुपया हमें साल का आता था।
लेकिन 8 हमारी वार्डें थी, जिस वार्ड में हम इस साल 10,000 का काम कर लेते थे तो अगले साल उसमें काम हम नहीं दे पाते थे। लेकिन जैसे जैसे ही ये डेवलपमेंट का दौर हमारा शुरू हुआ है, आज फंडिंग भी हमारी बड़ी है, और मैं ये कहूँगा कि पिछले टर्नओवर में मेरे एक ऐसा साल था जिसमें मेरे गांव में मनरेगा के तहत हमने 65 लाख का खर्चा किया था, वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें हमने अपने लोगों के काम भी किए हैं और लोगों को उसमें रोज़गार भी दिया है। क्योंकि मतलब मनरेगा जो है वो हर फैमिली को 100 दिन का रोज़गार हम देते हैं और उसके एवज में वो लोग मजदूरी करते हैं और अपने ज़मीन का, अपनी गली का, अपनी नाली का काम करते हैं। तो ऐसे कामों में हमने बेहतरी लाने की कोशिश की है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि IAY के तकरीबन 100 से केस हमारी पंचायत ने जो लोगों को दिए हैं, और उसमें बदनाम बहुत है ये डिपार्टमेंट के, ये लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये फ़ख्र से कहता हूँ कि उन 100 घरों में मेरे गांव में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी आदमी ने उनसे 1 रुपया तक भी उसमें लिया होगा। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी पंचायत की बड़ी एक कामयाबी है कि जिन्होंने बिना करप्शन के उन लोगों को घर दिए हैं, और 300 के करीब हम लोगों ने टॉयलेट यूनिट जो अपने गांव में दिलवाए हैं जिनकी पेमेंट हम लोग कर चुके हैं, और 40-50 के करीब जो ऐसे घर हैं जिनमें टॉयलेट बने हैं हम लोग अभी तक उनकी पेमेंट शायद करने जा रहे थे, तो ये मॉडल कोड लगने के बाद पेमेंट उनकी नहीं हो पाई है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उन लोगों को भी बाकी पैसे मिल जाएंगे, और जो बेसलाइन सर्वे के बाद जो नए घर बने हैं तो इसके बाद दूसरे चरण में हम, अगर हम लोग चुनके आ जाते हैं, जब कोई दूसरे भी आ जाते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि दूसरे चरण में हम जो लोग बाकी रहते हैं जिनके नए घर बन के आए हैं उन लोगों को भी टॉयलेट फैसिलिटी दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो घर द्वार में शौचालय बनाए जाने की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही थी वो इस पंचायत में पूर्ण रूप से पहुँच पाई है, घर द्वार में पहुँच पाई? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि वो यहाँ पे पहुँच पाई है, और मैं ये कहता हूँ कि हमारे पिछले DC साहब जिन्होंने इसको ODF करवाया था, सुबह 4 बजे आके घूमते थे हमारे गांव में, हमारी टीम को भी साथ लेके हर घर में टॉयलेट बनवाए हैं, और उसके बावजूद भी जो सरकारी टीमें थी वो ऐसे पॉइंट पे आके सुबह बिस्लिंग करने के लिए बैठ जाते थे कि इन लोगों को आदत बने कि अगर हमने टॉयलेट बनाए हैं तो उनको यूटिलाइज किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इक्का दुक्का लोग नहीं भी कर रहे हैं तो हमारी फिर से यही कोशिश है, उनको प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके घर में बन गया है और उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं इस्तेमाल करता तो उसको पूरा प्रेरित कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस आदत को डाल ले, अपने आप को उस मतलब माहौल में ले आए, क्योंकि हमारे जो पिछली एक प्रथा सदियों से चलती आ रही थी तो लोग उसमें घुले मिले थे, लेकिन बहुत से लोगों से मैं ये समझता हूँ 80-90% लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर ली है और उनका वो फायदा उठा रहे हैं। अपनी उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत काम कर रही है तो उनके द्वारा क्या प्रॉफिट दिया गया है आम जनता को आपकी तरफ से? मैं ये कहूँगा कि जितने नुकसान उन लोगों ने हमारे गाँव में किए हैं शायद ही उनकी भरपाई कहीं भी हो पाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने संगठन, अपनी पंचायत के थ्रू जो अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो कोशिशें की हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमने एक पानी की स्कीम इनसे 1,10,00,000 रुपये की जो क्याला से पानी उठा के जहाँ पे लाया है तो वो भी रेलवे से फंडिंग हमें आई है। उसके बाद इरीगेशन का जो हमारा पूरा सोर्स जो डैमेज हो गए थे उसके लिए हमने 20 महीने तक लड़ाई लड़ी है, जिसमें इनका हमने एक पिल्लर जो है पिल्लर 5 ब्रिज नंबर 39 पे हमने 20 महीने रोका था। कई मीटिंग्स उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को बुला के की, एट लास्ट चीफ सेक्रेटरी के इंटरव्यून पे वो चीज़ मानी गई और हम लोगों को वो स्कीम मिली है जिसका इरिगेशन ने टेंडर करवा दिया है, और पिछले 1-1.5 महीने से वो काम भी गांव के लिए चल रहा है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद ये जो रोड, जिस रोड पर आप लोग चल के आए हैं, ये रोड भी हमने रेलवे के हैंड ओवर करवा दी है, जिसमें 1,30,00,000 के करीब जो ग्राम मोड़ से लेकर त्रोंट और इधर से ग्राम मोड़ से लेकर अपना मतलब अंजी ब्रिज से थोड़ा पहले तक जो रोड हमने दी है, ली है, उस सब रोड को इन्होंने मेंटेन किया है। और ये भी मतलब आगे के लिए इनकी जिम्मेवारी बन गई है कि PWD ने इस रोड को ले लिया है, अपने अधीन ले लिया है, अपने रेलवे ने PWD से इसको ले लिया है,
और ये रोड हमेशा के लिए बेहतर होती जाएगी। और इसके साथ साथ हमने एक और जदोजहद करके नवार्ड के थ्रू एक स्कीम आप पानी की अपने गांव में लाई है, जिसपे तकरीबन 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, 3.25 करोड़ रुपया, और उसका भी पिछले 2 साल से हमारे लोग पानी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि 2001 में जब मैं सरपंच बन के आया था तो हमारा यहाँ पे मिडिल स्कूल हुआ करता था, जिसका 3 कमरे का जो हमें उस वक्त जो स्कूल का स्ट्रक्चर मिला था 3 कमरे का था, उसके बावजूद मैंने कंपनी से भी वहाँ पे रूम बनवाए हैं, NHPC से भी बनवाए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बनवाए हैं, और आज वो स्कूल 10th का है, हर क्लास के लिए जो अलग से रूम है और इसके साथ ऑफिस के लिए अलग से मतलब 2 रूम पड़े हैं, उसके बाद किचन 2 उसमें बनी है, 24 घंटे का नलका हमने डायरेक्ट ऊपर से स्कूल के लिए लगवाया है। ये जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, इस वार्ड में हमने एक नया स्कूल प्राइमरी बनवाया है, जिसकी बिल्डिंग भी एक हमने नई बनवाई है। गोस्मा में हमारा जो स्कूल है उसमें भी 3 कमरे थे, और पीछे 2 साल पहले ही मैंने 3 कमरे का एक और बिल्डिंग वहाँ पर बनवाई है। नीचे जो हमारा गर्ल मिडिल स्कूल है वहाँ पर भी हमने 3 कमरे की एक बिल्डिंग स्कूल की बनवाई है, और इसके साथ ही गीतानगर में जो स्कूल है वहाँ पे भी पुराने स्कूल के साथ साथ एक 3 कमरे की हमने बिल्डिंग बनवाई है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो पिछली पुरानी पंचायत थी, हम लोगों की जदोजहद के बावजूद मैं ये समझता था कि 15 से 16 आंगनबाड़ी सेंटर जो हमारी पंचायत में काम कर रहे थे, तो वही एक लोगों के लिए अच्छी नुमाइंदगी थी कि हम अपने लोगों का हिस्सा लाके उसको हर वार्ड में, हर मोहल्ले में स्कूल खुलवा, आंगनवाड़ी खुलवा पाए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जब मैं सरपंच बन के आया था तो हमारे पूरे गांव में 3 ट्रांसफार्म सिर्फ बिजली के थे, आज 16 ट्रांसफार्म इस गांव में काम कर रहे हैं, और आज 2 पे काम और चल रहा है, और 1 महीने के अंदर 2 जो इंस्टॉल हो रहे हैं उनके पोलिंग लाइनें बिछ रही हैं, काम लगा हुआ है। और ये जो सिलसिला है डेवलपमेंट का, आज हम पिछले समय में अगर हम देखें तो हम एक स्टील के गिलास में चाय पीते थे, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते वो चीज़ें जो जीने का स्तर हमारा बढ़ता जा रहा है और उसमें चेंज आ रहे हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भी जो हम लोगों का जीने का स्तर बढ़ा है, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे पंचायत के अंदर इसकी देखरेख में हम अपने लोगों की बेहतरी कर पाएँ, अपने लोगों का भाईचारा कायम रख पाएँ, आपस में प्यार बढ़ा पाएँ, और इसमें जो हमारे विरोधी भाई भी इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो मैं उनका भी बड़ा वेलकम करता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से वो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करें, और बड़े प्यार से हम इस 8 तारीख को इलेक्शन से निकल के बाहर जब आएँ और हमारे गाँव की इस पंचायत को एक अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छे लोग चुन के मिलें जो इस गांव की बेहतरी के लिए काम कर पाए। रह चुके हैं और मौजूदा समय में सरपंच के उम्मीदवार की जो इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अपना जो प्रोजेक्ट इनकी पंचायत के अंतर्गत चल रहा है, रेलवे का प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात इन्होंने कही है, और इसके साथ ही अन्य जो मूलभूत सुविधाएँ इनके गाँव में नहीं पहुँच पाई है उनको भी दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, रफ्तार समाचार, रियासी।